निवारण चिकित्सा शिविर का आयोजन वर्धमान नगर में विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर और ज्येष्ठ समाज सेवक उमाकांत अग्निहोत्री द्वारा आयोजित किया गया था। इस शिविर का सैकड़ों नागरिकों ने लाभ लिया। पेश संवाददाता संजय मिरे, इनकी वर्धमान नगर से ग्राउंड रिपोर्ट हेल्थ इज वेल्थ में, आइए देखते हैं। भारत देश की आबादी तकरीबन 130 करोड़ के आसपास है। आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कमर, घुटने, पीठ, हाथ, पांव, चेस्ट जैसे जोड़ों के दर्दों से पीड़ित हैं। जब दर्द उठता है तब सब पेशेंट करहारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अपनी जोड़ों के दर्द से राहत और निजात पाने के लिए कई जड़ी बूटियों और दवाइयों का सेवन करते हैं, फिर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। लेकिन जोड़ों के रोगों का निवारण करने के लिए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर एक ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी हैं जिनके इन जोड़ों के रोगों में विशेष महारत है। हाल ही में वर्धमान नगर परिसर में ऑस्टियोपैथिक दर्द निवारण चिकित्सा शिविर का आयोजन विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर और वरिष्ठ समाज सेवक उमाकांत अग्निहोत्री द्वारा आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय चले इस शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने लाभ उठाया। अब तक डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर इन्होंने 185 देशों में ऑस्टियोपैथी का कैंप ले चुके हैं। इंडिया, यूएस, यूके और यूएई के राष्ट्रपति डॉक्टर के पैनल में डॉक्टर पराशर है। डॉक्टर पराशर इन्हें न्यू मिलेनियम फिजिशियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। WHO द्वारा गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर इन्होंने अब तक 1,00,000 मरीजों का सफल स्लिप डिस्क इलाज बढ़िया तरीके से किया है। 27 देशों के सिफारिश से डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर इन्हें पेरिस में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। 182 देशों में कैंप कर चुके हैं वे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 38 बार कैंप कर चुके हैं और हिंदुस्तान के आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल की मानद उपाधि भी डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर इन्हें मिली है। डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर इन्होंने गरीब जरूरतमंद लोगों को खुद के खर्चे से इलाज के लिए जोधपुर ले गए। अब तक नागपुर से करीब 40 गरीब जरूरतमंदों का इलाज डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर कर चुके हैं। इस ऑस्टियोपैथी शिविर के बारे में वरिष्ठ समाज सेवक उमाकांत अग्निहोत्री, इन्होंने हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्हें जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, आए दिन शहर के लोगों में काफी रोग पनप रहे हैं। ऐसे में ऑस्टियोपैथी यह भी एक ऐसा रोग है जिसका निदान होना संभव नहीं है, लेकिन शहर के कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कई मरीजों को, जरूरतमंदों को उनके लिए कामकाज किया और ऑस्टियोपैथी से उन्हें निजात दिलाया है। इस समय में हम राधाकृष्ण मंदिर भवन में हैं जहां पे 3 दिवसीय शिविर का अच्छा आयोजन किया गया है। इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर दीपक पाराशर सर और डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर और उमाकांत जी अग्निहोत्री, इनके दोनों के माध्यम से कार्यक्रम लिया गया है। हम सबसे पहले उमाकांत अग्निहोत्री इनसे जानना चाहेंगे। अग्निहोत्री जी, ये पता कि जिस तरह से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग समाज सेवक हैं। हम लोग जब समाज के बीच में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे पास में अलग अलग तरीके की समस्याएं लेके लोग आते हैं। तो हमारे पास में अपनी शारीरिक समस्याएं लेके भी लोग आते हैं। कोई आता है, हमारे पैर में दर्द है, हमारे पीठ में दर्द है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, जिनके हाथ नहीं उठते हैं, जो बेड रिडन है, नहीं उठ पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि कैसे भी हमारा विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर जी से मेरी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई, इनके बारे में जब मैंने जाना, तो मैंने कहा कि कम से कम ऐसे एक भगवान के रूप में एक डॉक्टर जो मेरे संपर्क में आए हैं, इनका फ़ायदा, इनकी नॉलेज का फ़ायदा मेरे पूर्व नागपुर और नागपुर के लोगों को मिलना चाहिए। मैंने निवेदन किया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मुझको 29, 30, 31 तीन दिन का मेडिकल कैंप यहाँ पूर्व नागपुर में राधाकृष्ण मंदिर भवन में आयोजन करने के लिए मुझको परमिशन दी। अब जब डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, तो मैं आपको बताता हूँ, पूरे नागपुर के लोगों को, पूरे विदर्भ के लोगों को बताता हूँ, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि हमारे बीच एक देश नहीं पूरे वर्ल्ड का एक इतना महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब को मिलेनियम अवार्ड मिल चुका है। ये मिलेनियम अवार्ड 2 लोगों को मिला था, एक अमिताभ बच्चन को मिला था, उनको कला के क्षेत्र में मिला था, और एज ए फिजिशियन, डॉक्टर के क्षेत्र में एज ए फिजिशियन डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर जी को मिला। WHO ने डॉक्टर साहब को गोल्ड मेडल दिया क्योंकि डॉक्टर साहब ने स्लिप डिस्क के 1,00,000 लोगों को ठीक किया। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड डॉक्टर साहब को मिल चुका है। 27 देशों ने डॉक्टर साहब का नाम रिकमेंड किया भारत गौरव पुरस्कार के लिए। अभी इसी महीने डॉक्टर साहब को भारत गौरव पुरस्कार पेरिस में मिला है।
उसके बाद में डॉक्टर साहब 182 देशों में ऑस्टियोपैथी कैंप कर चुके हैं, 182 देशों में। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम सब लोग समझते हैं अमेरिका लोग यहाँ से इलाज कराने अमेरिका जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का एक सपूत, राजस्थान का एक सपूत, जोधपुर का एक सपूत, जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और अमेरिका के व्हाइट हाउस में 38 बार ऑस्टियोपैथी का कैंप लिया है। अग्निहोत्री साहब, ये पता है कि आज के इस कैंप में, 3 दिन से चले इस कैंप में, तकरीबन कितने पेशेंट आए थे? आज के ये 3 दिवसीय कैंप में तकरीबन 1,000-1,500 लोग आए और उन्होंने फायदा लिया। ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनको लोग व्हील चेयर पर उठा के लेके आए थे, लेकिन जब वापस गए हैं तो अपने पैरों से चल के गए। ये तो काफी अच्छी बात है कि जो लोग आए वे दुखी लोग थे, मगर जब गए वे हंसते हुए गए। इस समय में डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पाराशर है, जिनके बारे में ये सब बातें कही गई है, उन्हीं से मिलते हैं। पाराशर साहब, ये बताए कि ये ऑस्टियोपैथिक ये जो दर्द है ये कितना खतरनाक होता है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? बॉडी में एक स्टेज आती है ऑस्टियोपोरोसिस की, जैसे खान पान में बदलाव, बॉडी के उठने बैठने के बदलाव के कारण जो सीमेंट्स बॉडी में बनते हैं वो सारे अपोजिट साइड से जॉइंट के अंदर जाके विसृतियाँ पैदा कर देते हैं। उन विसृतियों को, उस पोस्चर को सही करने का एकमात्र तरीका है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इस प्रणाली के द्वारा ऐसे असाध्य रोग ठीक होते हैं जिसमें खास करके स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस व माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, नी में कार्टिलेज जो घस जाती है, भाई अब तो घुटना बदलाओ, उनको बदलाने की जरूरत नहीं है। मात्र 3 से 4 दिन के इलाज में उस कार्टिलेज को वापस से ग्रीन हो जाती है। अभी कोविड समय के बाद में स्पेशली आपके नागपुर या पूरे देश में ऐसे पेशेंटों की संख्या बढ़ गई जो कोविड की डाइट लेने के कारण उनके अंदर हिप जॉइंट पे ब्लड सप्लाई बंद हो गई। वो जैसे जैसे हिप बंद होती है वैसे हिप जॉइंट बोन टू बोन टकराने लग जाता है। ऐसी स्थिति में ऑस्टियोपैथी एक सफल इलाज है कि उनको मात्र 4 से 5 दिन के अंदर वापस से यथावत पोजिशन बना के उसको ठीक किया जा सकता है। बाकी लंबे टाइम तक अगर वो पोजीशन में रहता है तो उसको हिप रिप्लेस कराना पड़ता है, परंतु ऑस्टियोपैथी में जब वो आ जाता है कि इसकी सेवाएं का लाभ लेने तो 100% बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। प्रोफेसर साहब, हमने ये भी देखा है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं उनका एक जो वैद्य के जो पूरा कामकाज होता है उनके टीम में खासतौर पर सदस्य के तौर पर आप हो, किसी राष्ट्रपति का कोई इलाज किया है? हाँ, मैंने जैसे विल क्लिंटन से लेके आज तक अमेरिका में जो राष्ट्रपति हुए सबका किया, भारत में शंकरदयाल शर्मा जी के टाइम से लेके आज तक जो राष्ट्रपति है उन सबका इलाज किया, यूएई के शेख राशिद के टाइम से मैं ये कैंप करते आ रहा हूँ। तो ऐसा है ना, हम जब सेवा करते हैं उस वक्त उसका राष्ट्रपति का पद नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या तकलीफ है, उसको हम निदान की तरफ ध्यान करते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर भी वही हमारी भावना ठीक करने की रहती है। जब ऐसे डॉक्टर समाज की सेवा करते हैं तो यकीनन समाज के लोगों को इसका फायदा होता है। और जिस तरह के ये जो रोग बताया गया ऑस्टियोपैथिक का ये जो दर्द है ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए कितने देशों में उन्होंने कामकाज किया है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी हमारे नागपुर के शहर में जो ऐसे डॉक्टर हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को इसलिए भगवान का रूप माना जाता है जो समाज के कामकाज आता है, दुखी लोगों के चेहरे पर हंसी लाने का काम ऐसे डॉक्टर करते हैं। ऐसे डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर, इन्हें बीसीएम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मेरे बीसीएन न्यूज नागपुर।